नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। कर्ज चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तुरंत उतर जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको कई सारे उपाय बताएंगे। इन उपायों में से अगर आप कोई भी एक उपाय भी कर लेते हैं तो चाहे कर्ज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह तुरंत उतर जाएगा। दोस्तों कर्ज या ऋण का होना या फिर लोन कहें, ये सिर पर होना आपकी जिंदगी को मुश्किलों में डाल देता है। एक कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार जिंदगी में उसे चुकाना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोगों की पूरी जिंदगी ही कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है। कर्ज होने पर उसका पूरा परिवार कष्टों का सामना करता है। कर्ज की वजह से मान हानि, पैसों की तंगी, पारिवारिक कलह झेलने पड़ते हैं। कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने और अपने परिवार वालों के लिए मुसीबत बन जाता है। इसीलिए दोस्तों कर्ज लेते समय ही सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, नहीं तो इन मुश्किलों को टालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। शास्त्रों की माने तो आपको मंगलवार या शनिवार के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज उतारने में काफी मुश्किलें आ सकती है। माना जाता है कि शनिवार को लिया गया कर्ज कभी समाप्ति नहीं होता। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप ना तो शनिवार के दिन कर्ज लें और ना ही कर्ज लेने के आवेदन वाले दस्तावेजों पर दस्तखत करें। दोस्तों 8, 17 व 26 अंक शनि का माना जाता है, इसीलिए इन तारीख पर कभी भी कर्ज ना लें, क्योंकि इन तारीखों पर लिया गया कर्ज आपके जीवन को मुश्किल कर देता है। कर्ज लेने वाले आवेदन वाले पत्रों पर कभी भी काली स्याही से हस्ताक्षर ना करें, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा कर्ज कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। कोशिश करें कि अगर जीवन में कभी कर्ज लेना ही पड़े तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें। इन दिनों पर लिया गया कर्ज बहुत ही शीघ्र उतर जाता है। कर्ज लेते समय ईश्वर का ध्यान करें और उनसे कहें कि हे ईश्वर, ये धन भी आपका है, मैं भी आपका हूँ, इस कर्ज को उतारने में मेरी सहायता करें। माना जाता है कि यदि आप अपनी मुश्किलों में ईश्वर को साथ लेते हैं तो ऐसा कर्ज शीघ्र चुक जाता है। लेकिन कई बार सब कुछ करने के बावजूद भी व्यक्ति कर्ज में फंसता ही चला जाता है, बल्कि कई बार तो नौबत ऐसी आ जाती है कि वह कोर्ट कचहरी के मामलों में भी फंस जाता है। यदि आपके जीवन में भी कर्ज ने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है तो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को अवश्य करें। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं है। कर्ज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह जरूर उतर जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ज मुक्ति के कुछ आसान से उपाय। दोस्तों पान को हिंदू धर्म में लगभग सभी शुभ कार्यों में अत्यंत शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय सबसे पहली बार पान के पत्ते का उपयोग किया गया था। तभी से यह पत्ता हर शुभ कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। पूजा पाठ से लेकर हर एक शुभ कार्य में पान के पत्ते का प्रयोग तो होता ही है। ज्योतिष शास्त्र में उपायों में भी पान के पत्ते को बेहद ही प्रभावशाली माना जाता है। माना जाता है कि बुध ग्रह का पान से बहुत गहरा नाता है। ये धन से जुड़ी हुई मुश्किलों को भी हल करता है। अगर आप कर्ज में बुरी तरह डूब चुके हैं, लगता है कि निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, तब पान के पत्ते का ये छोटा सा उपाय आपके जीवन की हर मुश्किल को हल कर देगा। उपाय करने के लिए एक साबुत पान का पत्ता ले। साबुत मतलब जो खंडित ना हो, कहीं से कटा फटा या खराब ना हो, ऐसा पान का पत्ता आपको लेकर आना है। ऐसा पत्ता अपने घर लाने के बाद आपको उसे अच्छी तरह से गंगा जल से धो लें और उसका डंठल निकाल दें। अब इस पत्ते पर 2 लौंग और 1 इलायची रखें और इस पत्ते को मोड़कर पान का एक बीड़ा बना लें। अब इस उपाय को जिस भी दिन आप कर रहे हैं उस दिन की संध्या काल में स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और ये पान का बीड़ा उन्हें अर्पित कर दें। लगातार 3 महीने तक ये प्रयोग करते रहें। यदि कभी ऐसा हो कि आप ना जा पाए, आपके पास समय का अभाव हो, तो आपके परिवार में से किसी को भी आप भेज सकते हैं। वह ये पूरी क्रिया करने के बाद पान का बीड़ा बनाकर बजरंग बली के चरणों में अर्पित करें और साथ ही आप मनोकामना अवश्य बोले, हे प्रभु, हे बजरंग बली हनुमान, मेरी इस प्रॉब्लम का हल निकाले, मेरे इस कर्जे से मुक्ति दिलाए, मेरी समस्याओं को टाले। देखते ही देखते आपके जीवन से धीरे धीरे करके कर्ज रूपी ये मुश्किल खत्म होने लगेगी। जल्दी कर्ज मुक्ति के रास्ते आपको नजर आने लगेंगे, आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। याद रखें
कि हनुमान जी की शरण में जो आ गया, हनुमान जी उसका बेड़ा पार लगा देते हैं, आपकी सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि कर्ज लेने के बाद जीवन मुश्किल में हो जाता है, आमदनी के रास्ते भी बंद हो जाते हैं, ना ही तो घर में धन आता है और ना ही कोई कार्य बन पाता है। कई बार संकट जब आता है तो अपने चार साथियों को भी साथ लेकर आता है। नौकरी व्यवसाय में भी उसी समय दिक्कतें आने शुरू होती हैं, पैसे कहीं फंस जाते हैं, कोई नया कार्य करते हैं तो वे बनते बनते बिगड़ जाता है। सगे संबंधी तो दूर, स्वयं के परिवार जन भी मुफ्त, तब आपको लगता है कि आप चारों ओर से घिर चुके हैं। तब ऐसी स्थिति में एक छोटा सा उपाय अवश्य करके देखें। इस उपाय को करने के लिए भी आप एक पान का पत्ता अपने घर ले आए। यह पत्ता साबुत, ताजा व हरे रंग का होना चाहिए। घर में इस पान के पत्ते को लाने के बाद इसे भी आप गंगा जल से धोकर इसका डंठल अलग कर लें। अब आपको इस पत्ते के चिकने हुए हिस्से को नीचे और खुरदरे हिस्से को ऊपर की ओर करके उस पर दो लौंग रख दें। ध्यान रहे कि लौंग भी साबुत होनी चाहिए, खंडित ना हो, वह फूल वाली लौंग होनी चाहिए। अब इस पान के पत्ते को फोल्ड करके अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं या फिर अपने घर में ही मौजूद हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने खड़े होकर अपनी कर्ज संबंधी सभी समस्याओं को बोल दें, अपने जीवन में आ रही सभी समस्याओं को बोल दें और किसी भी बहते हुए जल में जाकर के इस पान के पत्ते को लौंग के साथ ही प्रवाहित कर दें। बहते हुए जल में प्रवाहित करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी समस्याओं का सामना आप और आपका परिवार कर रहा है, उससे जल्दी आपको मुक्ति मिल जाए। स्वयं बजरंग बली आपका वीड़ा पार लगाएंगे। बजरंग बली से निवेदन करें कि आपकी सभी मुश्किलें इस पान के पत्ते के साथ ही बह जाएं। यह पान का पत्ता आपकी समस्त मुश्किलों को बहा ले जाएगा। जल्दी आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, कर्ज मुक्ति के संयोग बनने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय बजरंग।